तरफ में और फिर सुल्तान शाही, नशेमन नगर और मुगलपुरा, तालाब कट्टे के इलाके और फिर रोजाना, अब से हम करीब 10 दिन, शायद 10 से 12 दिन हम रोजाना याकूतपुरे में भी रोजाना 700 पैकेट्स हम अहमद पाशा कादरी साहब और यासर अरफा साहब के हवाले करते हैं, वहां के कॉरपोरेटर साहिबान याकूतपुरे में तकसीम करते हैं। तो बहरहाल ये एक कामयाबी के साथ हमने ये काम किया है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि हम जिंदगी के ताल्लुक रखने वाले हर शोबे हयात के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज 5000 पैकेट्स के अलावा सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हम जितने चंद्रायन गुट्टे में जितने हमारे पुलिस स्टेशन हैं उन सारे पुलिस स्टेशन में भी हम खाना भेज रहे हैं इन पुलिस वालों के लिए भी, क्योंकि ये लॉकडाउन शुरू हुए जब से आज तक ये लोग भी रोड पर हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं, तो हम पुलिस स्टेशन को भी भेज रहे हैं। और लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस वक्त भी हम 200 मास्क पुलिस स्टेशन को भेजे थे और सैनिटाइजर्स भी 5-5 लीटर्स हम भेजे थे। और उसके अलावा जो छोटे जो एरियाज में जो छोटे चैनल्स और छोटे जर्नलिस्ट हैं जो लोग, उनकी भी हमने मदद की। प्रेस काउंसिल जो तेलंगाना का है उनकी जानिब से भी जो लिस्ट आई थी उसको भी हमने मदद की। और यहाँ मुकामी यहाँ के हमारे जो लोग हैं ओल्ड सिटी के जो हैं उनकी भी हमने मदद की है। और हम इंशाअल्लाह ताला कल या परसों ये सोच रहे हैं कि जितने चंद्रायन गुट्टा हलके असेंबली के जितने मसाजिद हैं और उन मसाजिद के जितने हुफाज हैं जो हर रमजान में तरावी होती थी जिन मसाजिद में, और वो हुफाज जो तरावी पढ़ाते थे, जो इस साल मसाजिदें बंद होने की वजह से हुफाज तरावी मसाजिदों में नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको भी परेशानी का सामना है, तो हमारी जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जितने भी मसाजिदें चंद्रायन गुट्टा हल्के असेंबली में है, जितने भी हुफाज हैं, हम उन सारे हुफाज को सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से 1500 रुपये देंगे और एक राशन का एक किट जो हमारा है जो 11 आइटम्स का है वो भी किट हम उनको मुहैया करेंगे। और फिर 19 तारीख के दिन हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे में हम 5000 राशन के किट्स तकसीम करेंगे 19 और 20 तारीख के दिन, ताकि ये जब हम तकसीम करेंगे तो पूरा मुकम्मल लॉकडाउन तक चंद्रायन गुट्टे में कोई तकलीफ किसी को ना हो, ये भी हमारा इरादा है, मंसूबा है। और इसके साथ साथ हल्के असेंबली बहादुरपुरे में अब तक सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैंने कुछ भी वहां पे तकसीम नहीं किया और काफी वहां से लोग मुसलसल रब्त कायम कर रहे हैं कि वहां के बल्दिया के अराकीन अपनी जानिब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे रुकने असेंबली मौजम खान साहब भी काम कर रहे हैं, तो मैं भी उनके काम में अपनी तरफ से भी ताबुन पेश कर रहा हूं और इंशाल्लाह एक 2000 राशन के किट हम बहादुरपुरा हल्के असेंबली में भी रवाना करेंगे इंशाल्लाह 20 तारीख या 21 तारीख के दिन, ताकि जितने भी दिन हैं बाकी के और ईद और फिर लॉकडाउन का जितना वक्त है उन लोगों को भी सहूलत के साथ गुजर जाए, इसका भी हम इंतजाम कर रहे हैं। और फिर से हम शाहीन नगर में भी कुछ भेजेंगे ईद के लिए। हम इंशाल्लाह ताला फिर से हम कोशिश करेंगे कि भोलकपुर के इलाके में भी कुछ भेजें, फिर से हम कोशिश करेंगे कि बेगमपेट और कारखाना जो एरिया है ताड़बन जो कारखाना वहां से भी काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है वहां पे भेजेंगे इंशाल्लाह। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी भेजेंगे हम और निमोली अड्डा वो एरिया वहां से भी काफी लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर भी हम भेजने की कोशिश करेंगे। हफीज पेट में भी भेजेंगे और ये आखिरी ये जितने लॉकडाउन का जो टाइम है हम शहर हैदराबाद में कोशिश कर रहे हैं कि 11 पॉइंट्स हम बना रहे हैं, 11 पॉइंट्स बना रहे हैं हम। जैसे बेगमपेट में एक पॉइंट रहेगा, महमूदगुड़ा में रहेगा, मुशीराबाद में रहेगा एक पॉइंट, एक पॉइंट हफीज पेट पे रहेगा।